साले थिएटर में गुटरगू किया। आज गोल्स माइंड में से हम गोल्स लूट कर लेंगे। उस फिल्म के मौके पर मैं चौका मारना चाहता था। तेरी मम्मी सही थी, हम तीनों बिल्कुल डफर हैं। इसमें कोई शक नहीं। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, मंजू। मंजू उर्फ मंजूनाथ। चरण, किसी मंजूनाथ का फोन है। मंजूनाथ का फोन, ये लो, मंजूनाथ है। कौन है ये, आधी रात को फोन करते रहता है? मॉम, वो बेचारी बेचारा अकेला है ना शहर में। गुस्सा मत होना। मॉम, थोड़ा सा हंस दो ना, इतना गुस्सा मत हो। क्यों ना हो, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मैं बताने ही वाला था मॉम, उससे पहले ये आ गई। अच्छा सुनो, हर माँ की तरह मैं भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ, सही जवाब देना। पूछो। शादी के बाद तुम किसका ख्याल ज्यादा रखोगे, मेरा या उसका? आपसे एक बात कहूं मॉम, आपको देखकर पता नहीं उसकी याद आती है या नहीं, पर उसे देखता हूं तो आपकी याद हमेशा आती है। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। जिंदगी में कुछ चीजों पर आपका काबू होता है और कुछ चीजें अपने आप हो जाती हैं, लेकिन पेपर में छपी एक खबर ने मेरे बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी, हमेशा के लिए। अरे पानी दे। ये नजारा देखो। वाह 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 वाह, अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाना खिला रहे हो। धर्मा, मैंने कहा था ना कि ये जमीन को सरकार तक खाली नहीं करा सकती है, लेकिन तुमने कहा तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो फिर अब तक खाली क्यों नहीं हुई जमीन? ये विदेशी दड़ियल एक प्लान लेकर आया, कहता है हे, फॉर यू 50%, फॉर मी 50%। और किसी ने पेपर में इस खबर को छापकर पूरा रायता फैला दिया। मुझे लगा था कि तुम सुमड़ी में सारा मामला सुलटा दोगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? बेकार में पंगा हो गया, अब झेलो जर्नलिस्ट को, सब खत्म। ए मीना, बिटिया को अंदर ले जा। देख, अगर मैं चुप बैठा हूं तो इसे मेरी कमजोरी मत समझना। मेरा जो ये रुतबा है वो मिनिस्टर, पैसे, बड़े नाम या खानदान की वजह से नहीं, मैं अपने बल पर खड़ा हूं खौफ की वजह से। मेरा ये साम्राज्य खौफ की नींव पर खड़ा है, खौफ ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है। जहां तक पेपर की उस न्यूज का सवाल है, जंगल में कई बार हिरण शेर के चंगुल से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन शेर उसे चीर कर फाड़ देता है। हिरण के नसीब में मौत ही लिखी होती है। भाई, वो जर्नलिस्ट उसी बस्ती में रहता है। ए भूखा। जी भाई। वो अपने ही इलाके में मरना चाहिए। तू अंदर जा बेटा। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना तू अंदर जा। रुक जाओ सब। बाप। अरे इसने तो तुम्हारे लिए आर्टिकल लिखा था, और इस बेचारे को अकेला ही छोड़कर जा रहे हो। अच्छे से देखो, इसके मौत का तमाशा अच्छे से देखो। धर्म के खिलाफ जो भी जाएगा उसका यही हश्र होगा। यहाँ बैठो भाई। आदित्य, एक चाय लेकर आ। हाँ हाँ, अभी लाया। यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है?
जा, चरण रुक जा, ये धर्मा का आदमी है, छोड़ो, बीच में मत पड़िए। बेचारा मर रहा है, बीच में मत पड़ना, छोड़ना यार। समझता क्यों नहीं है तू? भाई वो मेरा दोस्त है भाई, वो यहाँ का रहने वाला नहीं भाई, वो आपके बारे में नहीं जानता है भाई। मैं हूँ ना, मैं उसको समझा दूंगा। चरण तू यहाँ से चला जा यार, उठो ना, तू जा यहाँ से, जा, उठो, चला जा। तुझे क्या हो गया, मुंह क्यों लटका हुआ है? कल भरे बाजार में एक आदमी मर रहा था, किसी ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? बताइए खून किसने करवाया था? धर्मा ने, उसे जानता तो ऐसे सवाल नहीं पूछता। उसके खिलाफ जाने वाले को वो जिंदा नहीं छोड़ता। अगर जिंदगी से प्यार है तो उसके काम में टांग मत अड़ाओ, बस चुपचाप जो हो रहा है वो देखते जाओ। अच्छा, तो लाइफ में करना क्या चाहता है? पॉलिटिक्स, मुझे एक लीडर बनना है। लीडर? एक घटिया सड़क छाप गुंडे से तेरी रूह कांपती है और तू लीडर बनना चाहता है? लीडर वो नहीं जो डर के जिंदा रहे, वो जो डर को दूर करे। पहले ये सीख और फिर लीडर बन। अब बाइक स्टार्ट हो जाएगी। आज तुम्हें मेरे डैड से मिलना था, भूल गए ना? आप चरण्स मदर? ओह, आई आई आई, थैंक यू, बैठिए। चरण के बारे में मंजू ने मुझे बताया था। इसी बात की चिंता तो मुझे यहाँ ले आई। कैसी चिंता? घबराइए मत, आपने उसे समझ लिया तो आपका बीपी शुगर कंट्रोल में रहेगा, कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, और ना समझ पाया तो आपको अपनी कार बेच कर एक एम्बुलेंस खरीदनी पड़ेगी। वो जब साफ साफ बात करता है तो लोग उसे थोड़ा पागल समझते हैं, अगर आवाज ऊंची करता है तो लोगों को गुस्सा आता है। दरअसल उसमें धीरज की कमी है, वो ज्यादा बात नहीं करता। ज्यादा बात करो तो चिल्लाता है, कभी कभी तो हाथ उठा देता है। वैसे आपके बच्चे में कोई अच्छी खूबी भी हो तो बता दीजिए। वो बच्चे की तरह अपनी माँ का ख्याल रखता है, पत्नी का ख्याल माँ की तरह रखेगा। क्यों? क्या उसे 2-in-1 काम करना पसंद है? अगर आपने उसे बोर किया तो वो भूल जाएगा आप ससुर हैं। मेरी बातें भूलिएगा मत, आपकी भलाई इसी में है। मंजू, हाँ ठीक है, लेकिन ज्यादा बात मत करना और मेरा हाथ मांग लेना, ठीक है? वहाँ क्या देख रहे हो? सासू माँ, आप यहाँ कैसे? सासू माँ, तुम्हारे पापा को इसकी खूबियाँ बता रही थी। इन्होंने सब बता दिया होगा। क्या खाक बताया होगा? मॉम, आपने सचमुच सब बता दिया? सिर्फ इन्फॉर्मेशन दिया, इन्हें धमकाया है। इन्होंने सिर्फ मेरी गलतफहमियां दूर की हैं। अंकल, मंजू और मेरी मॉम ने क्या बताया ये जरूरी नहीं, पर आप क्या सोचते हैं ये जरूरी है। मंजू की बातों में मैंने तुम्हारे लिए बेइंतहा मोहब्बत देखी है और तुम्हारी माँ की बातों में तुम्हारे लिए एक भरोसा। इससे ज्यादा भला एक बेटी के बाप को क्या चाहिए? मंजू मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जान है, अब ये तुम्हारी है। टेक केयर। श्योर।